है, इनमें नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में होम टैक्स को स्वरकर प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव पास हुआ है। साथ ही यूपी सरकारी सेवक पदोन्नति के भर्ती के मानदंड में चौथे संशोधन 2019 का प्रक्षेपण किया गया है, जिसका प्रस्ताव पास किया गया है। और ग्राम विकास विभाग के संचालित अंबेडकर विकास संचालित योजना की गाइडलाइन में संशोधन के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है। साथ ही इसमें बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे में के विकासकर्ता चयन से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। पावर कॉरपोरेशन में हुए पीएफ घोटाले में एक नया नाम सामने आया। जानकारी के मुताबिक यूपीपीसीएल के महाप्रबंधक और ट्रस्ट के सचिव रहे पीके गुप्ता के बेटे अभिनव गुप्ता ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि डीएचएफएल में निवेश कराने के लिए ब्रोकर की भूमिका निभाई। वहीं इस मामले में जांच कर रही एजेंसी ईओडब्ल्यू अभिनव को तलाश कर रही है, जो फिलहाल फरार है। शुरुआती जांच में डीएचएफएल में निवेश के लिए ट्रस्ट के सचिव पीके गुप्ता और डीएचएफएल की सांठगांठ सामने आई है। इसमें पीके गुप्ता के लड़के अभिनव ने डीएचएफएल से मोटा कमीशन लेकर यूपीपीसीएल से निवेश कराया था। हालांकि जांच एजेंसी इस पूरे मामले में कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है। जांच के दौरान पहले ही पता चल चुका है कि ब्रोकर फॉर्मों के माध्यम से जो निवेश किया गया उसमें अधिकतर ब्रोकर फॉर्मों का पूर्व में कोई अनुभव नहीं था और वह केवल यूपीपीसीएल के लिए काम कर रही थी। वहीं ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने डीएचएफएल के तत्कालीन एरिया मैनेजर अमित प्रकाश को दफ्तर में बुलाकर लंबी पूछताछ की। कि आरोपी सचिव का बेटा अभिनव बना था ब्रोकर और ब्रोकर को लेकर ही पूरे जो मामला डीएचएफएल का था वो लगाया गया है। ईओडब्ल्यू लगातार छानबीन कर रही है और खासकर जब ब्रोकर की बात पता चल गई अभिनव की, तो उस पर लगातार जोर दिए हुए हैं और उसे लगातार इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रही है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। मैनपुरी के नगलादानी में दहेज लोभियों ने विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि विवाहिता से दहेज में 5 लाख से रुपए की मांग की गई थी, जिसे विवाहिता का पूरा परिवार जो है वो नहीं उसको चुका पाया, जिसके चलते विवाहिता के ससुरालीजनों ने विवाहिता का गला दबाकर हत्या कर दी और उसके बाद हत्या को छुपाने के लिए शव को मिट्टी के तेल डालकर जलाने का भी प्रयास किया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही विवाहिता के परिजन घर पहुंचे, जिसके चलते ससुराली शव को वहीं छोड़कर भाग गए, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। तो दहेज के कारण विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी गई। उसके बाद से जब विवाहिता के घर वाले पहुंचे तो रमेश, आज के लगभग 4-5 साल पहले ये शादी मैंने की थी नगला दानी में। आज ये घटना ये हुई है कि इन लोगों ने मिलकर के दहेज के ऊपर मेरी बहन को आज मार डाला, कल शाम को मार डाला था, मुझे खबर भी नहीं हुई। अच्छा, सबको खेतों पर ले जा रहे थे जलाने के लिए, 1 किलोमीटर खेतों पर जाकर के मुझे सब प्राप्त हुआ। हमने FIR दर्ज कराया 8 लोगों के खिलाफ। ये लोगों के सब भाग गए वहाँ पर, घर पर कोई भी नहीं। ये दहेज की मांग करते थे और उसके बाद उन्हें कुछ दे भी दिया थे, देने के बाद इसका मुकदमा भी चल रहा था माननीय न्यायालय इटावा में। और उसके बाद ये और कह रहे थे मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, उसके बाद हम रखेंगे 5 लाख रुपए चाहिए, सोने की गली चाहिए, तब रखेंगे। अभी ले आए थे 1-2 महीने पहले और इन्होंने ना बात करवाते थे फोन से ना कुछ, तो एक आध बार देखा भी, देखने के बाद कल शाम को हमने चलेंगे देखेंगे क्या है क्या नहीं, और कल शाम को इन्होंने ये घटना कर दी। तब मुझे खेतों के पास एक आलू का खेत था जिसमें आलू रखे हुए थे, उसी के गुहा में मिला हुआ जा रहे, तो वहाँ लकड़ी, कंडे, मिट्टी का तेल, दो कट्टी
और कुछ टायर थे, कुछ टूर थे, ये सामान वहाँ उपलब्ध है, ये पता मुझे नहीं चला। गले पर ये निशान है, काले निशान पड़े हुए आगे गले पर। आगरा के कछपुरा क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक महिला का शव उसी के घर में पड़ा मिला। बता दें कि महिला के शव से उसका सिर गायब था। जानकारी के मुताबिक बीती रात पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी और मारपीट हुई, जिसके बाद पति ने पत्नी की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सब को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी। में एक गांव है जहां पे एक हत्या की मामला सामने आया है। पति ने अपने पत्नी की हत्या करने का यहां पे ये कहा जा रहा है और नरेश करके व्यक्ति है जिसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, सिर काट के कहीं छुपा दिया है। आला कत्ल भी बरामद हो चुका है पुलिस को और बताया जा रहा है कि ये काफी नशे का आदी था। मैनपुरी में 12 वफात कार्यक्रम के दौरान करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। बिजली के खंभे पर लाउड स्पीकर बांधते वक्त युवक को बिजली का करंट लग गया, जिससे पोल से नीचे गिरते ही युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शाहजहांपुर के मिर्जापुर थाना क्षेत्र के घाट मेले में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मेले के एक युवक का शव फंदे से झूलता हुआ पाया गया। वहीं घटना का पता चलते ही परिजनों ने आनन फानन में पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के मुताबिक इस मामले को आत्महत्या माना जा रहा है। पुलिस ने विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच शुरू कर दी। युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। शाहजहांपुर का ये पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं और घटना से गांव में पूरे सनसनी फैली हुई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस जांच पड़ताल की पूरी कोशिश कर रही है। ये उस समय का घटना है जब पूरे गांव में मेला लगा हुआ था, खुशी का माहौल था, लेकिन अचानक से ये घटना, उसके बाद से लगातार लोगों में दहशत भी है और सनसनी भी फैली है, लेकिन पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि वो मामले तक पहुंच जाए। बलिया के फेकना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने निधरिया गांव में खड़ी दो गाड़ियों से अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। आपको बता दें कि इस अवैध शराब की कीमत बाजार में 30 लाख है। इसके साथ ही पुलिस ने एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। बता दें कि बिहार में शराबबंदी के बाद से ही ये शराब तस्कर गिरोह लगातार सक्रिय है। सोनभद्र जिले में छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे गांवों में आजकल हाथियों का आतंक जोरों पर है। जहां रोज हाथियों के झुंड का आतंक देखने को मिलता है, तो वहीं जिले के डुमरहर गांव में हाथियों के कुचलने से एक युवक की मौत हो गई। साथ ही झुंड ने कच्चे घरों और फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। बता दें कि सीमा से जुड़े कई आदिवासी गांव में हाथियों का झुंड सोनभद्र की सीमा में दाखिल होकर जान माल को नुकसान पहुंचाता है। फिलहाल वन विभाग की टीम लगातार प्रयास कर रही है कि हाथियों के झुंड को छत्तीसगढ़ की सीमा में खदेड़ने का काम किया जाए। तो आपको बता दें कि युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। उसके बाद से फसलों
की बर्बादी भी लगातार हो रही है। एक पूरा झुंड सीमा पार से आ चुका है, जहां फॉरेस्ट की टीम लगी हुई है कि किसी तरीके से जो हाथियों का झुंड आ गया है उसको भेजा जा सके, लेकिन उसके बाद से हाथियों की वजह से खासकर लोगों के जानमाल और फसलों का लगातार नुकसान हो रहा है। मथुरा के गौसना थाना क्षेत्र के पास एलपीजी गैस टैंकर असंतुलित होकर रेलवे की रेलिंग तोड़ता हुआ चलती मालगाड़ी से टकरा गया। हादसे के दौरान टैंकर की चपेट में आए 3 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे पुलिस, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम के साथ रेलवे की टीम ने तीनों घायलों को आनन फानन में उपचार के लिए अस्पताल भेजा, जहां से डॉक्टरों ने गंभीर रूप से घायल युवकों को आगरा रेफर कर दिया। वहीं इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। घटना की सूचना पर डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंच गए। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद रेलवे ट्रैक को चालू कराया गया। एलपीजी का टैंकर था जो कि खाली था, अलीगढ़ से रिफाइनरी जो मथुरा रिफाइनरी उसकी तरफ जा रहा था, और इनके द्वारा एक्सीडेंट किया गया। एक्सीडेंट के बारे में अभी तक ये जानकारी हुई है कि कुछ लोग इसमें इंजर्ड हैं, जो सूचना आ रही है कि 3 लोग इसमें इंजर्ड हैं और 2 बाइक्स इंजर मतलब एक्सीडेंट वहाँ पर मिली है। और उसके बाद ये जो अपेरेंटली लग रहा है टैंकर हाई स्पीड पे था और राइट हैंड साइड जो है ट्रैक को रप्चर करते हुए जो इंजन है मालगाड़ी इधर से आ रही थी, जो कि मालगाड़ी भी मथुरा की तरफ जा रही थी, उससे टकराया। ट्रैक डैमेज हुआ है जिसके कारण जो है अभी ट्रेन्स रोकी गई हैं। स्टार्ट पे जो एलपीजी का जो सिलेंडर था उसको फायर टीम के द्वारा चेक किया गया। रिफाइनरी की भी टीम आ गई है, टेक्निकल टीम आके एक बार पूरी तरह इंश्योर कर रही है कि इसके अंदर अभी किसी भी प्रकार का कोई एलिमेंट जो है एलपीजी का ना रहे। उसके बाद इस रूट को क्लियर कराया जाएगा। जो घायल हैं उनको मॉर्चरी जो अस्पताल है सॉरी उसमें भेजा गया है, फर्दर ट्रीटमेंट चल रहा है और जो रेलवे के अधिकारी उनसे बातचीत हो रही है और उनके द्वारा जो कार्रवाई होती है अपने ट्रैक को सही करने की, उसको जैसे ही यहाँ से क्लियरेंस रिफाइनरी की टीम देगी वो चालू कर दी जाए। यातायात को इसलिए रोका गया है क्योंकि फॉर दी पॉइंट ऑफ सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार हम लोग इंश्योर हो जाए कि ये पूरी तरह से खाली है, ताकि जब इसको यहाँ से टैंकर को हटाया जाए तो किसी भी प्रकार की स्पार्किंग या फ्रिक्शन या किसी भी प्रकार से किसी प्रकार की जो सिक्योरिटी हैजार्ड हो वो ना हो। तो रोड तो उस कारण से वो किया गया है, वंस वी गेट थिंग्स क्लियर हम उसको रोड को पूरा सही करा देंगे। जो रेलवे ट्रैक है क्योंकि वो रप्चर हो गया है। महोबा के कबरई थाना क्षेत्र में खुलेआम नियमों को ताक पर रखकर खनन कार्य किया जा रहा है, जहां बिना सुरक्षा उपकरण के कार्य कर रहे एक मजदूर की विस्फोट के दौरान मौत हो गई। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बता दें कि संचालक मजदूर को इलाज के लिए जिला अस्पताल तक लाया और उसकी मौत हो जाने पर शव को गेट पर ही फेंक कर भाग गया। घटना से जिम्मेदारों पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि अवैध खनन का काम अभी भी चल रहा है, हालांकि लगातार सरकार जो है इस पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से रोज आए दिन खबरों में रहता है कि खनन का कार्य चल रहा है और अवैध खनन के चलते ही ये दुर्घटना हुई और दुर्घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। विस्फोट हो गया जहां मजदूर की मौत भी हो गई है और किसी भी तरीके से अगर खनन का काम किया भी जा रहा है तो उसके बाद से जो सिक्योरिटी होती है उसको ताक पर रखकर वो काम किया जा रहा है, जिस वजह से ये घटना वहां पर घटित हुई है। महोबा के मुख्यालय के रामकुंड बंधन कार्ड में शॉर्ट सर्किट से एक घर में आग लग गई, जिससे घर में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आपको बता दें कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय परिवार घर में सो रहा था और आग लगते देख पड़ोसियों ने शोर मचाया, जिसके बाद घर में सो रहे लोग जागे और फायर ब्रिगेड को मामले की जानकारी दी। बता दें कि इस आग में घर में सारा सामान जलकर खाक हो गया।
जौनपुर के शाहगंज कोतवाली क्षेत्र में स्कॉर्पियो की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई और जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने स्कॉर्पियो ड्राइवर को बंधक बनाकर सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया जिसमें कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने हवाई फायरिंग करते हुए चालक को ग्रामीणों से छुड़ाया और किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकल गया। इसके बाद भारी पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। वहीं पुलिस ने उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है, साथ ही तीन लोगों को हिरासत में भी ले लिया है पुलिस ने। मामला है कि फैजाबाद की तरफ से एक स्कॉर्पियो आ रही थी और एक मोटरसाइकिल घर से जा रही थी। मोटरसाइकिल पर मृतक दिलीप यादव पुत्र बुझारत यादव निवासी मड़वा मोहद्दीनपुर शाहगंज का रहने वाला है, उम्र 30 वर्ष। भीषण एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। अफवाह यहाँ पर फैलाया गया कि उसके साथ एक लड़का था, छोटा बच्चा था, जो एक्सीडेंट हुआ तो कहीं इधर उधर चला गया। काफ़ी खोजबीन किया गया अगल बगल, ऐसी बात नहीं थी। बाद में पता चला कि वो लड़का घर पर है, ऐसे ही अफवाह उड़ाए थे। फिर इसके बाद ड्राइवर को ये लोग जो है बंधक बना करके रखे थे। ड्राइवर को छुड़ाया गया, ड्राइवर को छुड़ाने में थोड़ा हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। नहीं, फायरिंग नहीं हुई है। तो ड्राइवर को छुड़ाया गया, ड्राइवर को जो है छुड़ाते समय ये लोग थोड़ा ईटा पत्थर जो फेंक दिए थे, लेकिन फिर भी ड्राइवर को बचा करके उसको सकुशल थाने ले गया गया। आने जाने वाले वाहनों पर ये लोग जो है जब पहले ही मारे थे, उसमें एक गाड़ी जो यहाँ खड़ी किए हैं उस गाड़ी को पकड़ लिया गया है और 2-3-4 की गिरफ्तारी की गई है। पुलिसकर्मी एक दो के हाथ पर लगा है और जांच की जा रही है और भी होगा। इसमें अच्छी तरह से मुकदमा कायम भी होगा, दोनों मुकदमा कायम होगा, एक्सीडेंट वाला भी होगा, पुलिस से जो पुलिस के साथ बर्ताव हुआ उसका भी होगा। कितने घंटे रोड बाधित रहा? अब एक करीब 1.5 घंटे। कासगंज जनपद में एक रसद आपूर्ति विभाग का फर्जी सप्लाई इंस्पेक्टर को राशन डीलर ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल एसडीएम ने गिरफ्तार किए गए सप्लाई इंस्पेक्टर को कोतवाली में भेज दिया है जहां उसके खिलाफ कार्रवाई कर जेल भेजा जाएगा। दरअसल गिरफ्तार किया फर्जी सप्लाई इंस्पेक्टर पुनीत मिश्रा निवासी मैनपुरी का रहने वाला है। यह भी बताया जा रहा है कि यह पुनीत राशन कार्ड बनवाने और संशोधन करने के नाम पर एक परमिट पर 50 रुपये से 100 रुपये तक लिया करता था। तो आपको बता दें, सप्लाई इंस्पेक्टर पुनीत मिश्रा निवासी जो कि मैनपुरी का रहने वाला है, पुनीत जो है वो राशन कार्ड जब बनवाने आते थे लोग और उसपे संशोधन करने के लिए, खासकर नाम का संशोधन करने के लिए, उस परमिट पर भी 50 रुपये जो होते थे जहां पर वो 100 रुपये वसूले जाते थे, जिसके बाद से जब राशन डीलर की ये जो करतूत है भ्रष्टाचारी जो वो बैकडोर से करते हुए नजर आ रहे थे, खुलासा उनका हो चुका है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर चुकी है और कार्रवाई कर जेल भी भेज दिया गया है। आगे की और जांच पड़ताल की जा रही है। खासकर आपको बता दें कि एसडीएम ने गिरफ्तार कर लिया है सप्लाई इंस्पेक्टर को, कोतवाली भी भेज दिया है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर जेल भी भेजा जाएगा। तो आपको बता दें कि जहां पर 50 रुपये लगते हैं और लोग जो हैं उनको बेवकूफ बनाकर ये जो सप्लाई इंस्पेक्टर था वो परमिट के राशन कार्ड पर नाम बदलने के लिए वो 100 रुपये लिया करता था, जहां पर अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जब लोगों ने आवाज उठाई कि ये वसूले करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि बैकड्रॉप से, फर्जी सप्लाई इंस्पेक्टर पर जो फर्जी वो लोगों से पैसा लेता हुआ लगातार अपनी पॉकेट वो लोगों के गाड़ी कमाई से भरता हुआ नजर आए, उसके बाद से सप्लाई इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई कर जेल भेजने की प्रोसीजर जो है वो जारी है।
फिलहाल अभी की बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे इंडिया वॉच।